बीते कुछ दिनों पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजित पवार की पुणे में मुलाकात से प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई। सियासी गलियारों इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। उनकी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी ये मुलाकात राजनीति से परे थी। उन्होंने दोनों की मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि शरद पवार और अजित पवार कई गैर राजनीतिक संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन समय समय पर गुप्त बैठकें करते हैं जो उनके कामकाज में शुमार है। संजय राउत ने उनकी बैठक और दोनों की राजनीतिक तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञ महाराष्ट्र में पवार परिवार की राजनीति को समझने में नाकाम रहे हैं। सांसद संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे का एक लेख का जिक्र करते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र के सियासी नेताओं पर एक कार्टून बनाया था जहां उन्होंने शरद पवार को एक वुड पिकर के रूप में दर्शाया था जो कुर्सियों में छेद कर सकता है। मुझे लगता है कि अजित पवार एक वुड पिकर के रूप में उभर रहे हैं, उन्होंने एनसीपी में छेद कर दिया है।